नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं होली से रिलेटेड, क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। और आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में हमारे पर्व पे पूजा पाठ और धर्म का कितना ही मान्य है, कितनी ही मान्यता है कि त्यौहार पर हम अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग तरह की विधि अपनाते हैं ताकि हमारे जीवन में वर्ष भर के लिए सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। क्योंकि हमारे जो त्यौहार हैं, जो हमारे त्यौहार हैं उन पे उनका एक हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और आज हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे कि किस तरह होली की अग्नि हमें देती है अपने आगे वाले भविष्य के बारे में संकेत देती है, शुभ अशुभ संकेत देती है। अगर आप मेरी बातें एक एक करके ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, इस बार होली 7 मार्च को है, 7 मार्च 2023 को है। इसके दिन अगले 8 मार्च को रंगोत्सव मनाया जाएगा। होलिका दहन का त्यौहार सूर्यास्त के बाद मनाया जाएगा प्रदोष काल में। इस पर्व से जुड़ी प्रह्लाद की काफ़ी प्रचलित कहानियां हैं, लेकिन होलिका दहन की रात को तंत्र साधना और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी श्रेष्ठ मानते हैं कि होली की रात को शीघ्र की गई साधना शीघ्र फल देती है। यही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में बताते हैं कि होलिका दहन की आग से भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भी पता चलता है। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके कि आप कैसे पता करें कि आपके जीवन में ये त्यौहार शुभ और अशुभ के कौन से संकेत लेकर आया है। दोस्तों, मान्यता है कि होली की आग अगर ये लौ पूर्व दिशा की ओर से उठती है तो इसे सुख और संपन्नता का प्रतीक मानते हैं। इससे आने वाले समय में आपकी धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में उन्नति करने के अवसर बढ़ते हैं। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। यहीं दोस्तों, अगर आप होलिका दहन के वक्त हवा का रुख पश्चिम दिशा में हो तो ये पशुधन को लाभ देता है। ये प्राकृतिक आपदा का भी इशारा है, लेकिन आपके ऊपर अगर इस तरह की कोई भी आपदा आने वाली है तो इसमें आपकी कोई बड़ी हानि नहीं होगी। चुनौतियाँ बढ़ती हैं, लेकिन मेहनत करने वालों और डटकर मुश्किलों का सामना करने वालों को सफलता मिल सकती है। दोस्तों, यहीं अगर आपके घर की होली जब आप जल रही है तो आप एक एक बात ध्यान से देखिए। अगर आपकी होलिका दहन की लौ उत्तर दिशा की ओर झुक रही है तो इसको बहुत ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा मानते हैं। तो इससे आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। अगर आपकी होलिका की आग उत्तर दिशा की ओर झुक रही है तो ये एक आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। यही दोस्तों, अगर कहते हैं कि दक्षिण दिशा में होली की लौ हो तो इससे अशुभ मानते हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम का वास मानते हैं। ये सुख यम की दिशा मानते हैं। अगर आपकी होली की आग दक्षिण दिशा की ओर है तो ये काफ़ी अशुभ मानते हैं। अशांति और क्लेश बढ़ने से इसे समाज में झगड़े विवाद हो सकते हैं। पशुधन को नुकसान हो सकता है। आपदिक मामले तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि यम की दिशा मानी जाती है। यही साथ दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि दिवाली, शिवरात्रि और फागुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन की रात को महारात्रि की श्रेणी में शामिल करते हैं। कहते हैं इस दिन मध्यरात्रि में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से घर में धन समृद्धि और की वृद्धि होती है, तमाम परेशानियों का समाधान निकलता है और जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में उपाय बताए हैं काफ़ी सारे कि आप होली को किस तरह पूजा कर सकते हैं अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए। देखिए, होली की जो पूजा होती है और दिवाली की पूजा होती है तो ये दोनों ही त्यौहार हमारे लिए काफ़ी खास रखते हैं। जैसे जिस तरह दिवाली पे हम माँ लक्ष्मी के आगमन का इंतज़ार करते हैं, उसी तरह होली पर भी तंत्र मंत्र साधनाओं का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ उपाय बताए हैं। अगर आपको होली के दिन कुछ उपाय करने तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं जाके। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप इस दिन अपने घर में श्रीयंत्र को स्थापित करते हैं होली वाले दिन, एक विशेष समय पे आप अगर श्रीयंत्र को स्थापित करते हैं तो आपके घर में वर्ष भर सुख शांति और आनंद बना रहेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके जीवन में खुशियां अपने आप आएंगी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अच्छे कर्मों से गुजरना पड़ता है, और अच्छे कर्म करने के साथ साथ अगर आप भगवान में अपनी आस्था रखेंगे तो आपके जीवन में ज़रूर ही सुख शांति और समृद्धि आएगी। इसके साथ साथ आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है, क्योंकि
भगवान के भरोसे ही नहीं बैठ सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में कर्म भी करने हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।